नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। भारत इस समय इस ताले की जकड़ को महसूस कर रहा है, ये कोरोना का लॉक है। आज दुनिया के 182 देशों को यही ताला नजर आ रहा है। भारत के शहर अब जनता कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना को हम बहुत कम जानते हैं और फिलहाल इस वायरस का कोई इलाज नहीं है। पूरी दुनिया एक अनजान दुश्मन से लड़ रही है, ऐसे में इस वायरस के संक्रमण को बड़े स्तर पर जाने से रोकना ही एकमात्र बचाव है। आज आपको हम बताएंगे कि कोरोना काल में कैसा है देश का हाल, कौन से शहर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू कोरोना की मुसीबत को किस हद तक कम कर पाएगा, भारत कौन से संकल्पों और संयम की मदद से कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई जीत सकता है, इन सारे पहलुओं का हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दुश्मन यानी कोरोना वायरस की गतिविधि और रफ्तार को देख लीजिए। कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। 14 मार्च के बाद से तो इस वायरस के फैलने की यात्रा एकदम हाई स्पीड रही है। ग्राफ को देखिए, 19 जनवरी को 100 केस थे, 24 जनवरी को 1000 केस हो गए, 28 जनवरी को 5000 केस हो गए, 12 फरवरी को 50,000 केस, 6 मार्च को 1,00,000 केस, 14 मार्च को 1,50,000 केस, फिर 18 मार्च को 2,00,000 केस, 19 मार्च को 2,25,00,000 केस और 20 मार्च को 2,50,000 केस का आंकड़ा दुनिया में पार हो गया। यही वजह है कि अब भारत धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। अब ये देखिए कि भारत में किस तरह पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े। 13 मार्च को 89 केस थे, 14 मार्च को 96 हुए, 15 मार्च को 112, 16 मार्च को 124, 17 मार्च को 139, 18 मार्च को 168, 19 मार्च को 195 और आज यानी 20 मार्च को 240 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। भारत के तमाम शहर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान 24 घंटे के लिए ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नागपुर में तमाम सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने मॉल्स वगैरह को खुला नहीं रखने का आदेश दिया है। लखनऊ में ताज होटल भी खुला नहीं रहेगा। यहां ये सब पाबंदियां लगाई गई हैं, वहां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोला जा सकेगा। कोरोना के कारण रविवार को जनता कर्फ्यू के वक्त देश भर की सभी ट्रेनों का पहिया भी रुका रहेगा। लेकिन कोरोना की जिस खबर पर देश भर में हड़कंप मचा है, वो बॉलीवुड की गायिका कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर। कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से लखनऊ पहुंची। कनिका 15 मार्च को लखनऊ में एक बड़ी बर्थडे पार्टी में शामिल हुई। इस पार्टी में 100 से ज्यादा लोग शामिल थे। इस पार्टी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल थी। पार्टी में वसुंधरा के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद थे। पार्टी में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह शामिल थे। ये पार्टी यूपी के कद्दावर नेता के घर पर हुई थी। सांसद दुष्यंत सिंह ने कनिका के साथ पार्टी में शामिल होने के बाद संसद की कार्यवाही में भी हिस्सा लिया था। संसद में दुष्यंत कई सांसदों के संपर्क में आए थे, यहां तक कि वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले थे। अब दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, जय प्रताप सिंह, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं को सेल्फ आइसोलेशन में जाने का फैसला करना पड़ा है। वसुंधरा राजे ने सेल्फ आइसोलेशन में जाने को लेकर ट्वीट करके कहा कि कुछ दिन पहले दुष्यंत और उनके ससुराल वालों के साथ मैं लखनऊ में एक डिनर पर गई थी। कनिका कपूर, जो कि कोविड-19 संक्रमित पाई गई है, वो भी उसी डिनर में बतौर अतिथि मौजूद थी। सावधानी के तौर पर मैं और दुष्यंत सेल्फ आइसोलेशन में हैं और हम सभी आवश्यक निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इस बीच कनिका कपूर को लखनऊ के KGMU में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उनके पिता राजीव कपूर अपनी माँ और दो सहायकों के साथ घर में ही आइसोलेशन में चले गए हैं। यूपी का शासन प्रशासन उन लोगों से संपर्क साध रहा है जो कनिका के साथ संपर्क में आए थे। अब किस किस को दिया हो सकता है कोरोना का ये वायरस, कनिका कपूर ने देखिए पूरा एक डायग्राम बना के हम दिखा रहे हैं आपको। चाहे दुष्यंत सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, जय प्रताप सिंह, धीरेंद्र सिंह जो कि विधायक हैं, डेरेक ओब्रायन, दीपेंद्र हुड्डा, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, जितिन प्रसाद, यानी अक्रॉस पार्टी लाइन ये कोरोना का जो वायरस है
ये नजर आ रहा है कि मुमकिन है कनिका कपूर इन लोगों से मिली और इसीलिए इन लोगों तक ये संक्रमण फैल चुका हो। बहुत ज्यादा तेजी से संक्रमण ये फैलता है और इसीलिए आशंका है कि जिन जिन से मिली है उन सबको टेस्ट तो कराना पड़ेगा। इनमें से कई लोगों ने, जैसा कि हमने आपको बताया भी, वो लोग सेल्फ आइसोलेशन में, खुद को अलग कर लिया है पूरी दुनिया से। 14 दिन तक आप अपने घर पर रहिए, किसी से मिलिए जुलिए नहीं, और पूरे वो एहतियात बरतें जो कि एक मरीज को बरतने हो सकते हैं, और टेस्ट जरूर करवाने होते हैं। तो ये वो बड़े लोग हैं, ये मशहूर हस्तियां हैं जिन तक ये संक्रमण हो सकता है गया। कनिका कपूर लखनऊ की बड़ी बर्थडे पार्टी में शामिल हुई, इसके अलावा वो अपने अपार्टमेंट की पार्टी में शामिल हुई, 5-स्टार होटल की पार्टी में शामिल हुई, लोकायुक्त की होली पार्टी में शामिल हुई। आरोप तो यह भी है कि लंदन से लौटी कनिका ने जांच अधिकारियों को गच्चा दे दिया और बिना जांच के एयरपोर्ट से बाहर गई। ये लखनऊ के लोकायुक्त संजय मिश्रा के आवास पर होली पार्टी का वीडियो है। 15 मार्च को आयोजित फूलों वाली इस होली पार्टी में बॉलीवुड की टॉप सिंगर कनिका कपूर भी मौजूद थी। इस पार्टी में शामिल लोगों को सपने में भी गुमान नहीं रहा होगा कि वो एक ऐसी होली पार्टी में आए हैं जहां एक मेहमान कोरोना से संक्रमित है। अब जिनके साथ कनिका होली पार्टी में शरीक हुई उनकी जान आफत में होगी। कनिका कपूर पर आरोप है कि वो लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों को धोखा देकर बाहर निकली थी। 9 मार्च को कनिका लंदन से मुंबई पहुंची थी, इसके बाद 11 मार्च को वो लखनऊ पहुंची थी। बताया जा रहा है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर वो बिना कोरोना की जांच करवाए बाहर आ गई थी। कहां तो उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में जाना था, लेकिन बेबी डॉल तो पार्टियों में बिजी हो गई। एक दो नहीं, कनिका कपूर 4 पार्टियों में शामिल हुई थी। इसके अलावा वो अपने ननिहाल कानपुर भी गई थी। कनिका कपूर जिन पार्टियों में मौजूद थी उनमें शामिल हुए लोग सदमे में। जिस शालीमार गैलेंट में कनिका के पिता रहते हैं उसी में पार्टी भी हुई थी। अब वहां के लोग ये बिल्डिंग छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। कनिका कपूर की कारस्तानी का नतीजा जाने कितने लोग भुगत रहे हैं। हालांकि उनके पिता इन खबरों का खंडन कर रहे हैं। कनिका के बारे में टीवी पे और सब जगह से हम जो न्यूज़ सुन रहे हैं इसमें बहुत गलत सलत चीज़ें बताई जा रही हैं और बहुत गलत र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उसके बारे में। कनिका 9 तारीख की लेट नाइट को लंदन से बॉम्बे आई, एक दिन बॉम्बे रुक करके वो लखनऊ आई 11 तारीख को। 11 तारीख इसलिए आई कि हम लोग एक अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कनिका कपूर की ट्रोलिंग शुरू हुई तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर अपनी सफाई पेश की। कनिका ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि 10 दिन पहले एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग हुई थी, उस समय उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। एयरपोर्ट से बिना जांच धोखे से निकलने वाली बात से कनिका ने इनकार किया है। उनके मुताबिक 4 दिन पहले उनमें कोरोना वायरस के लक्षण शुरू हुए हैं। सोशल मीडिया पर कनिका अब लोगों को लापरवाही न बरतने की नसीहतें दे रही, लेकिन उनकी लापरवाही ने न जाने कितनों को सांसत में डाल दिया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। कनिका कपूर की लापरवाही ने कोरोना की दहशत को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचा दिया, लेकिन आज दोपहर जब कनिका ने आज तक से फोन पर बात की तो वो खुद को बचाती नजर आई। यहां तक कि उनके और पिता राजीव कपूर के स्टेटमेंट में भी अंतर नजर आया। आज तक से फोन पर राजीव कपूर ने कहा कि कनिका लंदन से लौटकर पार्टियों में 300-400 लोगों से मुलाकात उन्होंने की, जबकि कनिका की दलील थी कि वो सिर्फ चंद लोगों से मिली। कनिका ने यह भी दावा किया कि लंदन से लौटकर उन्होंने कोरोना की किसी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया। 3-4 पार्टीज में गई थी होली पे और ऐसी कोई बात नहीं लगी थी हम लोगों को, तो पिछले 2 दिन से उसको ऐसा लगा। लेकिन कपूर साहब आप खुद मान रहे हैं कि 3-4 पार्टीज में गई थी और मुझे यकीन है कि आप 13-14-15 को आप सब जगह सारी चीजें जान रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इस परिस्थिति को आप भी अच्छे से जानते हैं। छोटी घर की पार्टी थी, कोई ऐसा बड़ा फंक्शन नहीं। तो उनमें कितने लोग उनके संपर्क में आ गए होंगे? तीनों पार्टीज में मिला करके आए होंगे 300-400 लोग, 350 लोग आएंगे। आपके पिताजी ने बताया 3 पार्टीज अटेंड की आपने? सर हमारे पिताजी ने बताया कि 3 पार्टियां अटेंड करी मैंने। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली नहीं। मेरे फ्रेंड, हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं
उन्होंने उनकी बर्थडे थी लास्ट वीक 13 तारीख को, उन्होंने उनका स्मॉल फैमिली गेट टुगेदर से, आप उनका प्लीज नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए कि ये वो पार्टी थी या फैमिली गेट टुगेदर थे छोटे। आपके पिताजी ने कहा कि आप कम से कम 300 से 400 लोगों के संपर्क में आई हैं पिछले कुछ दिनों में इन पार्टीज के दौरान। ये मेरे पिताजी कह ही नहीं सकते क्योंकि 300-400 लोगों की कोई पार्टी हुई नहीं है। इस समय हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले हम आपको लिए चलते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर के पास, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर ठाकुर, जो कुछ चल रहा है, जिस पैमाने पर ये वायरस इस समय, जिस पैमाने पर ये संक्रमण इस समय पूरी दुनिया को अपने घेरे में लिए हुए है, भारत की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं आपको पर्याप्त लग रही हैं? आपको लग रहा है भारत सही तरीके से लड़ रहा है और हम उस तीसरे स्टेज से बचने में कामयाब हो जाएंगे? हमारे साथ इस समय डॉक्टर अरविंद कुमार भी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हैं। डॉक्टर अरविंद, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कनिका कपूर पर कि जिस तरीके से वो पूरे गाइडलाइंस का उन्होंने पालन नहीं किया, वहाँ से निकल आई और 100 200 300 400 जाने कितने लोगों से मिल गई, एक व्यक्ति जो नहीं डिक्लेयर करता है और जाँच अधिकारियों को गच्चा देकर निकलता है, वो कितने लोगों को रिस्क पर डाल सकता है? श्वेता जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक ऐसा सम्मानजनक व्यक्ति जो इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरह से अवेयर होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके जैसा व्यक्ति पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उस सब के बारे में अच्छी तरह अवेयर होगा, ऐसे व्यक्ति से तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के बिहेवियर की उम्मीद की जाती है कि अगर बाय चांस एयरपोर्ट पे कोई ऑफिशियल खुद मिस कर दें तो ये जाके डिक्लेयर करें कि देखिए मैं लंदन से आ रही हूं, लंदन इस समय एक इन्फेक्टेड एरिया है और उसमें मेरे लिए ये गाइडलाइंस है। आई एम श्योर उनको गाइडलाइंस पता होंगी। ऐसे में उनसे छुप के, इन्फॉर्मेशन छुपा के या किसी तरह से एयरपोर्ट से निकल जा करके ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी ऐड करना चाहूंगा कि यह कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। मैं स्वयं ऐसे बहुत सारे केसेस के बारे में जानता हूं। कलकत्ता का एक केस रिपोर्ट हुआ था ऐसे ही किसी वीआईपी का, आज एम्स भुवनेश्वर से भी एक ऐसे ही किसी का केस रिपोर्ट हुआ है। ये तो टिप्स ऑफ आइसबर्ग हैं। मैं एज ए डॉक्टर आपको और देशवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि जो हम स्टेज थ्री कहते हैं, जहां पर कि लोगों से लोगों में नहीं, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट टू कम्युनिटी एक्सपोजर और फिर ट्रांसमिशन शुरू होता है, हम बिल्कुल स्टेज थ्री के दरवाजे पे खड़े हैं, या ये कहें कि स्टेज थ्री दस्तक दे रहा है। अब आप देखिए, आपने खुद ग्राफिक में दिखाया कि लखनऊ की पार्टी में कितने सारे लोग वो इन्फेक्टेड हैं। अब इन लोगों को अगले 10 से 15 दिन में क्या होगा? और एक और बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है इस इन्फेक्शन के साथ कि जब आप इससे इन्फेक्टेड होते हैं तो कोई पहले दिन से जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स शुरू हो जाएं। एक इंक्यूबेशन पीरियड नाम की चीज होती है जो 5 से 7 दिन या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है और आपको टोटली एसिम्टोमेटिक डिजीज भी हो सकती है, यानी आपको डिजीज हुई, आप इन्फेक्शस रहे, आपने सोसाइटी में लोगों को इन्फेक्ट किया लेकिन आपको पता नहीं लगा, इसलिए आपने कोई टेस्टिंग नहीं कराई और आप अनडिटेक्टेड गए। बट और इसीलिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हम सब की हो जाती है। डॉक्टर सीपी ठाकुर भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर, आप जो आज की परिस्थितियां हैं, भारत की जो आबादी है, भारत की आबादी का जो घनत्व है, जिस तरीके से बाकी देशों में स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री तक जाते हुए हम देखा है और उसके आगे भी बढ़ते हुए देखा है, भारत की तैयारियां आपको कितनी पर्याप्त लग रही हैं और आपको लग रहा है कि हम लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे इस महामारी से? देखिए, महामारी से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने प्रोग्राम बनाया है और आज वहाँ पर दिल्ली में सारे जो पार्लियामेंट के डॉक्टर लोग थे, सारे लोग मिले हैं। अगर जिस तरह से भी बीमारी जितनी तेज़ से बढ़ती है
उससे ज़्यादा तेज से आप प्रिवेंटिव मेजर अगर नहीं शुरू कीजिएगा तब आप पछाड़ खा जाइएगा। और आपको जैसा कि आप एक महिला का उदाहरण दे रहे थे, तो अब तो यही चाहिए कि बाहर से विदेश से जो भी कोई आ रहा है, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, उसमें इसमें कोई ले जाने की बात नहीं है, उसको कुछ दिन क्वारंटीन में रखना चाहिए कि अलग करके हटा के, या और 10-15 दिन के बाद ही और लोगों से उनको मिलना चाहिए, नहीं तो फैले बीमारी अगर होगा वायरस तो फैलवे करेगा, और जहाँ जहाँ लोग जाएगा वहाँ बीमारी फैलेगी। इसलिए अभी जो हम लोगों को सारे लोग जो हैं, सारे लोगों को इस बीमारी होनी चाहिए कि हमसे बीमारी नहीं फैले, अगर हम बीमार हैं तो हमसे बीमारी नहीं फैले, जहाँ संदेह हो उसको अलग करके रखने का इंतजाम है और सरकार भी कर रही है इंतजाम, उसमें उसको डाल देना चाहिए और 2-3 सप्ताह देख लिया और उसके बाद जब ठीक है तब उनको छोड़ना चाहिए। दवा भी लोग चलाने का सोच रहे कर रहे हैं कहीं कहीं, जैसे कुछ एंटी मेरेरियल है, कुछ एंटीवायरल है देना शुरू किया है कहीं कहीं, लेकिन अदरवाइज कोई दवा इस बीमारी का नहीं है। इसलिए तो इसका तो केवल बचाव 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 यही करना है, और जैसे जिस तरह से बचाव हो, हम कोई किसी को मालूम हो गया कि बीमार है तो उसको आइसोलेशन में रख दिया, उसकी पूरी चिकित्सा किया और वो जब ठीक हो गया तब फिर समाज में लाए, ये तो करना पड़ेगा अभी। और बड़ा से बड़ा आदमी हो उसको भी समझना चाहिए कि हमसे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरविंद, जो एक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया प्रधानमंत्री ने कि रविवार के दिन आप सुबह से कहीं बाहर मत निकलें, रात 9 बजे तक कहीं बाहर ना निकलें, ये कड़ी तोड़ने में, इस इन्फेक्शन की कड़ी को तोड़ने में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? श्वेता जी, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कल शाम को जो एक रिक्वेस्ट किया था जनता कर्फ्यू का, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन कल शाम में और आज शाम में एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज है कि कल शाम तक अगर आप पिछले 10-15 दिन के केसेस देखें तो वो 5 से 10, 5 से 10, 15 बढ़ रहे थे, जबकि पिछले 24 घंटे में करीब 60 से 80 के बीच में केसेस का नंबर बढ़ा है। और ये जो स्पाइक आ रहा है, अगले 2 या 3 दिन हमें बताएंगे, अगर ये स्पाइक बढ़ता जाता है तो मैं पिछले कई दिनों से बार बार ये कह रहा हूं कि हमारी सोसाइटी में सरफेस के नीचे ये इन्फेक्शन चुपचाप फैल रहा है, बढ़ रहा है। जो नंबर्स हम देख रहे हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, और किसी भी दिन ये एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करेगा स्टेज 3 के फॉर्म में, और खुदा न खास्ता अगर इटली जैसी स्थिति हमारे देश में आ गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो हमारे यहाँ माल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और बहुत सारी बीमारियों से संक्रमित लोगों की संख्या है, जिस तरह की पॉपुलेशन टू हॉस्पिटल बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर रेशियो है, उन सब को देखते हुए अगर इटली जैसे विकसित देश में एक ऐसे हालात आ गए हैं कि 80 साल से ज्यादा उम्र की व्यक्तियों को घर में मरने दिए जा रहा है, उनको अस्पताल तक नहीं आने की सलाह दी गई है, तो हमारे देश में अगर वो स्थिति आई तो बहुत ही विकराल रूप होगा। इसलिए आज एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हम ओवर रिएक्ट कर जाएं, ये एक ऐसी महामारी है जिसमें ओवर रिएक्शन इज द ओनली करेक्ट रिएक्शन। अगर हम आज ओवर रिएक्ट करके देश को स्टेज 3 फ्रैंक में जाने से रोक लें तो मेरे ख्याल से वो बहुत सेंसिबल स्टेप होगा। अगर आज हम अंडर रिएक्ट करें, हम वेट करें कि फ्लोरिड स्टेज 3 आ जाए तब हम ओवर रिएक्ट करेंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी का संडे का जनता कर्फ्यू बहुत वेलकम स्टेप है। उस दिन अगर 130 करोड़ लोग देश से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो उनमें से जो भी इन्फेक्टेड लोगों का पूल है अगर वो बाहर निकलता
तो दिन भर में अगले 14 घंटे में वो जितने लोगों को इन्फेक्ट करता, कम से कम वो इन्फेक्शन तो रुकेगा, लेकिन वो एक स्मॉल नंबर होगा और वो वायरस स्प्रेड की साइकिल को नहीं तोड़ेगा। इस साइकिल को तोड़ने के लिए ज्यादा समय के लिए, ज्यादा अवधि के लिए ये होना चाहिए, केवल एक दिन से शायद वो न अचीव हो, लेकिन एक दिन करके ऐसा देखा जा सकता है कि क्या सारे लोग इसका पालन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार हमसे बातचीत करने के लिए। मामला हम कनिका कपूर का उठा रहे हैं कि किस तरीके से देश के जिम्मेदार नागरिकों को कम से कम जब बाहर से आ रहे हैं आप सेल्फ क्वारंटीन भी करते हैं और कम से कम जांच पड़ताल अगर आपकी हो रही है तो उसको तो गच्चा देकर नहीं निकलना चाहिए। कनिका कपूर के पिता ने आज तक से बातचीत में माना था कि कनिका कई पार्टियों में गई, तमाम लोगों से मिली, लेकिन बाद में मीडिया के सामने राजीव कपूर भी ये कहते सुने गए कि कनिका के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। कनिका के बारे में टीवी पे और सब जगह से हम जो न्यूज़ सुन रहे हैं इसमें बहुत गलत सलत चीज़ें बताई जा रही हैं और बहुत गलत र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उसके बारे में। कनिका 9 तारीख की लेट नाइट को लंदन से बॉम्बे आई, एक दिन बॉम्बे रुक करके वो लखनऊ आई 11 तारीख को। 11 तारीख इसलिए आई कि हम लोग एक अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, एक घर से हम लोग इसमें शालीमार गैलेंट में शिफ्ट किया एक फ्लैट के अंदर, तो उसकी शिफ्टिंग में हमारी मदद करने आई थी वो, और हम लोग के साथ बहुत दिन से रही नहीं तो आई थी हम लोग से मिलने। तो 2 दिन उसने ये किया और तीसरे 13 तारीख को हम लोग कानपुर गए, एक हमारे इन लॉज कानपुर में रहते हैं, सब लोग चाह रहे थे कि कनिका आई है तो एक दिन के लिए आए, तो हम लोग सुबेरे पहुँचे वहाँ पे और लंच करने के थोड़ी देर बाद हम लोग चल दिए, शाम तक वापस लखनऊ आ गए। 14 तारीख को हम लोग दिन भर लखनऊ से ये नए घर में शिफ्ट करने के लिए हमारी मदद करती रही वो। आपने सुना पहले उन्होंने क्या कहा था बातचीत में और उसके बाद उन्होंने सफाई क्या दी है। बहरहाल इस सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या हम सब एकजुट हैं इस लड़ाई में, क्योंकि इतिहास गवाह है कि किसी भी महामारी का सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन पर पड़ता है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस अकाउंट्स हैं, ये उन लोगों के अकाउंट हैं जो कर्ज लेकर अपने व्यापार को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लॉकडाउन होने से इन लोगों को अपने 2 लाख करोड़ रुपए के कर्जों को अदा करने में दिक्कत होगी और इससे दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के खतरे में पड़ने की आशंका है। लेकिन कोरोना वायरस के सामने लॉकडाउन के अलावा फिलहाल कोई और विकल्प भी नहीं है। इससे पहले दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही इतने बड़े पैमाने पर लॉकडाउन हुए। भारत कैसे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है ये भी आप देखिए। जनता कर्फ्यू तो 22 मार्च को है, लेकिन उससे पहले ही हालात लॉकडाउन के बन रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के मद्देनजर तमाम पाबंदियां लगा दी गई। राजधानी दिल्ली में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानों को छोड़कर मॉल्स में बाकी सभी दुकानें 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया। यहां तक कि दिल्ली में सैलून और ब्यूटी पार्लर तक बंद रहेंगे। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं तक नहीं चलेंगी। दिल्ली सरकार भरोसा देने की कोशिश कर रही है कि इस कोरोना युद्ध में वो मुस्तैद है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीज थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं दिल्ली के अंदर, जो कि एक हमारे लिए चिंता का विषय है। पिछले एक महीने में हमारे टोटल 10 पेशेंट्स हुए थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में 6 या 7 पेशेंट और बढ़ गए हैं। सो देयर इज अ सडन स्पर्ट इन कोरोना एंड एक डेथ आज सुबह और हो गई है। अभी तक हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कंटेन किए हुए थे, अभी तक भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, लेकिन इसको इसी तरह से कंट्रोल करके रखना है, तो जो भी मेजर्स उठाने की जरूरत है हम वो सारे मेजर्स उठाएंगे। दिल्ली में बढ़ती जा रही इस सख्ती का असर बाजारों में दिखने लगा है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने आज ये अनाउंसमेंट किया कि अब राजधानी में सभी मॉल्स बंद रहेंगे। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के V3S मॉल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि हालांकि दुकानें अभी भी खुली हुई हैं, लेकिन जब हमारी दुकानदारों से बात हुई उन्होंने हमें बताया वो इसीलिए क्योंकि ये अनाउंसमेंट अभी अभी हुआ है, उनके पास दिल्ली सरकार से कोई नोटिस नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिस या सर्कुलर आ जाएगा वो दुकानें बंद कर देंगे। COVID-19 या कोरोना वायरस का थ्रेट कितना असली है ये तो आप जान ही सकते हैं। देखिए, इंडिया गेट है मेरे पीछे जहां रोज लाखों की संख्या में लोग आते हैं, आज ये बंद पड़ा है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपील के बाद आप देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस तैनात है यहाँ पे और बैरिकेडिंग पे पोस्टर भी लगा है, साफ लिखा है इंडिया गेट बंद है कोरोना वायरस की वजह से। ये कनॉट प्लेस का इलाका है और कुछ दुकानें मैं आपको दिखाऊं जिनके शटर इस वक्त बंद है और शटर के बाहर ये लिखा हुआ है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कोरोना वायरस के स्प्रेड के चलते हुए हम टेम्पररीली दुकानें बंद रख रहे हैं। लोगों के हाथ में सैनिटाइजर्स हैं, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और मैं दिखा दूँ आपको कि इस तरीके की जो भीड़ है जो देखने को मिलती है अक्सर कनॉट प्लेस में वो आज देखने को नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। वहां की सरकार ने मुंबई, नागपुर, पिंपरी, चिंचवाड़ और पुणे में जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 25% तक अटेंडेंस रखने का फैसला किया गया है। घरात राहा, घराबाहेर जाऊ नका, अनावश्यक प्रवास करू नका। त्याच वेळेला ही लोक आपल्यासाठी 24 तास आपल्यासाठी आणि आपल्यासाठीच आपलं सर्व काही विसरून ही तिथे लढत आहेत, शर्थीचे प्रयत्न चालू आहेत। जर ते 24 तास आपल्यासाठी काम करत असतील तर आपण त्यांना मदत करताना आपण आपल्या घरामध्ये राहू शकत नाही का? महाराष्ट्र के जिन 4 शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है वहां जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, जिसमें राशन की दुकानें, दवाई की दुकानें, अस्पताल, पुलिस थाने, बैंक और लोकल ट्रेनें और बस सेवा शामिल हैं। भीड़ कम करने के लिए बीएमसी ने निर्णय लिया था कि कुछ दुकानें खुली रहेंगी, कुछ दुकानें बंद रहेंगी। तो इस आदेश का आलम यह है कि ये जो सड़क है इसके उस साइड अगर आप देखें तो सड़कों पे जो दुकानें हैं वो बंद हैं, लेकिन आज इस तरफ की दुकानें चल रही हैं, खुली हैं, लोग खरीद रहे हैं जो उन्हें खरीदना है, लेकिन ये दुकानें कल बंद रहेंगी और उस तरफ की दुकानें कल चलेंगी, वहां पर बिक्री होगी। लेकिन एक खास बात इस आदेश में यह है कि जो प्रोविजन स्टोर्स हैं, जैसे कि जो रोजमर्रा के खाने पीने का सामान हो, मेडिकल हो, ये दुकानें किसी भी दिन बंद नहीं रहेंगी, ये खुली रहेंगी। कोरोना सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को भी जकड़ रहा है। राज्य की योगी सरकार ने पूरे सूबे में सभी मॉल्स को बंद करने को कह दिया है। राजधानी लखनऊ में 25 मार्च तक सभी दफ्तर और संस्थान बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर को पूरी तरह सैनिटाइज करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले नवरात्रि पर घरों में पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करने की अपील लोगों से की है। अयोध्या में रामनवमी के मेले को लेकर भी एडवाइजरी जारी की जा सकती है। कोरोना की वजह से लखनऊ के प्राचीन शिव मंदिर का जब फाटक बंद किया गया तो भक्तों के लिए बेहद परेशान करने वाला मौका साबित हो रहा है। कोरोना का असर इतना है कि लखनऊ में इसका असर मठ मंदिरों पर भी दिख रहा है। लखनऊ का जो प्रसिद्ध मन कामेश्वर मंदिर है उसके कपाट भी आज से बंद किए जा चुके हैं। अगली बार ये कब खुलेगा? नवरात्र में अगर हालात सामान्य हुए तो खुलेगा, नहीं तो 31 मार्च के बाद इस पर कोई फैसला होगा। क्योंकि ये प्रथम बार ऐसी कोई महामारी की तरह संक्रमण आया है कि जिसको हम लोग पूरे विश्व के तौर पे देख रहे हैं, तो एक स्वच्छता और संक्रमण से बचाव के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भक्तजन को कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हो जो ये बाद में बोला जाए कि मठ मंदिर से ये संक्रमित व्यक्ति आया है, तो उसके बचाव के कारण हम लोग मंदिर बंद कर रहे हैं। आप लोगों को भी लगता है मंदिर बंद होना फिलहाल सबके हित में है? हाँ, हित में है, क्योंकि बहुत लोग कैसे भी आ जाते हैं, हाथ वॉश नहीं कर पाते, चीजें नहीं कर पाते हैं। राजस्थान में सीकर के फतेहपुर में 488 साल पुराना लक्ष्मीनाथ मंदिर के पट बंद करने पड़े। मालिश लगी हुई है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से दूर रहने की कोशिश करें। कोरोना के कर्फ्यू ने देश की तमाम गतिविधियों को ठप कर दिया है। राजस्थान के अलवर में जिला कलेक्टर और एसपी ने बाजार में अनाउंसमेंट कर बेवजह भीड़ बढ़ाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी तक दे दी। उधर हिमाचल के कांगड़ा में धारा 144 लागू हो गई है। पठानकोट से हिमाचल जाने वाली सभी सीमाओं पर दूसरे राज्यों की गाड़ी को घुसने से बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। जम्मू में सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी गई है। लद्दाख में सरकारी दफ्तर 15 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। भारतीय रेल की सेवाओं पर असर भी साफ दिखने लगा है। 200 से अधिक ट्रेनें या तो रद्द कर दी गई हैं या उन्हें रोक दिया गया है। इससे मार्च में अब तक 450 करोड़ रुपए का घाटा झेलना पड़ा है। आज तक ब्यूरो। एक लक्षण जानना भी बहुत जरूरी है और वो भी तब जब कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं।
अब तक इसके लक्षण थे बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी, मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में तकलीफ। लेकिन अब जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने जो नए लक्षण बताए हैं उन पर जरा ध्यान दीजिए। सूंघने और स्वाद लेने की क्षमता का बिगड़ जाना, खराब हो जाना, ये लक्षण 66% संक्रमित मरीजों में दिखाई दिए हैं। और डायरिया भी एक नया लक्षण है, ये 30% मरीजों में दिखाई दिया। कोरोना वायरस से लड़ने में घनी आबादी भी एक बड़ा फैक्टर साबित होती है। भारत के लगभग हर शहर में एक इलाका ऐसा होता है जहां लोगों के घरों और लोगों के बीच की दूरी बेहद कम होती है। इस हालात में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। भारत में आबादी कितनी घनी बसी हुई है इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी की तुलना करनी होगी। चीन में पॉपुलेशन डेंसिटी 145 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 145 लोग रहते हैं। कोरोना को फैलने से वहां रोका नहीं जा सका क्योंकि सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए। चीन में 80,000 से ज्यादा केस आए, 3200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इटली में प्रति वर्ग किलोमीटर में 206 लोग रहते हैं, वहां भी सही समय पर कदम नहीं उठाए गए। इटली में 41,000 से अधिक केस आए और 3400 से अधिक लोग मरे। ईरान में प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 52 लोग रहते हैं, लेकिन लापरवाही और खबरों को दबाने के कारण ईरान की हालत खराब हो गई। ईरान में 18,000 से ज्यादा केस आए, 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारत में इन सबसे कहीं ज्यादा घनी आबादी है, प्रति वर्ग किलोमीटर 464 लोग रहते हैं। कई इलाकों में तो आबादी का घनत्व 1000 से भी ज्यादा है, लेकिन अब तक भारत ने कोरोना को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं और समय से पहले भी आवश्यक कदम उठाए। इसीलिए भारत में अब तक 200 से अधिक केस आए हैं। दुनिया में कोरोना का ताला तमाम देशों में दिखाई दे रहा है। चीन, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, अल साल्वाडोर, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड और यहां तक कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी या तो पूरे देश में या फिर अलग अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से लॉकडाउन कर रही है। बेल्जियम ने भी 18 मार्च से 5 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की। पोलैंड ने 18 मार्च से लॉकडाउन किया है। ऑस्ट्रेलिया में बाहर से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के क्वारंटीन पर भेजा जा रहा है। यूरोपियन यूनियन 16 मार्च को क्षेत्र में गैर जरूरी यात्राओं पर 30 दिन की रोक लगा चुका है। अर्जेंटीना, मोरक्को, केन्या, मलेशिया में भी लॉकडाउन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। चीन में जनवरी के अंत से ही लॉकडाउन की स्थिति है। वहां के 16 शहर तब से ही वीरान पड़े हुए हैं। चीन ने अपने कम से कम 20 राज्यों को क्वारंटाइन किया है। चीन का वुहान पिछले 6 हफ्तों से लॉकडाउन है और चीन के तमाम शहरों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। चीन ने इस तरह अपने आप को लॉकडाउन किया कि अब वहां कोरोना वायरस के नए केस सामने नहीं आ रहे। इटली भी 10 मार्च से लॉकडाउन है। वहां के 6 करोड़ लोग अपने घरों में बंद हैं। हम आपको बता दें कि इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद अब चीन से भी ज्यादा हो गई है। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3,500 पहुंच चुकी है। 14 मार्च को स्पेन की सरकार ने 4,70,00,000 लोगों को कम से कम 15 दिन के लिए घर में ही रहने का आदेश दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि स्पेन को यह अवधि बढ़ानी पड़ेगी। फ्रांस ने 15 मार्च को 15 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी और लोगों को आगाह किया था कि वो तभी घर से निकलें जब ऐसा करना बहुत ही जरूरी हो। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सजा देने की बात भी कही गई थी। लाइलाज वायरस के सामने सुपर पावर ने भी घुटने टेक दिए। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है लेकिन उसे भी लॉकडाउन करना पड़ रहा है। अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में भी बंद की घोषणा की गई। सरकार ने आदेश जारी किए कि लोग अपने घरों में रहें, जब तक जरूरत न हो घर से न निकलें। राज्य स्तर पर शटडाउन किए जाने से 4 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाले शहर लॉस एंजलिस में भी इसी तरह की घोषणा की गई। जर्मनी अपने 16 राज्यों में तमाम सार्वजनिक गतिविधियों को बंद करने की घोषणा कर चुका है। वहां दुकानें, चर्च, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और क्लब्स को बंद कर दिया गया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल पहले ही इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण समय बता चुकी हैं। संक्रमण का जो आंकड़ा भारत में है वो 249 तक पहुंच चुका है। अलग अलग इलाकों से लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना जिस तरह की महामारी है उसके बावजूद भारत ने बहुत सतर्कता बरती है और अब तक हम कुछ हद तक काबू पाने में कामयाब हुए हैं। आने वाले दिनों में भी इसे बरकरार रखना होगा। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।